क्या कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने लोगों के हक के लिए संघर्ष किया, अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाई। ये हैं बिरसा मुंडा, वो नाम जिसने अंग्रेजों के राज में आदिवासियों की आवाज को गूंज दी। उस समय अंग्रेजों ने झारखंड के जंगलों पर कब्जा कर रखा था। आदिवासी अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए थे। अंग्रेजों ने उनके जंगलों को लूटना शुरू कर दिया, उनकी जमीनों पर कब्जा किया और उनसे बेगार करवाने लगे। बिरसा ने अपने बचपन से ही इन अन्यायों को देखा। धीरे धीरे उसमें इस अन्याय के खिलाफ आग जलने लगी। बचपन में बिरसा को मिशनरी स्कूल में शिक्षा मिली, परंतु उसके अंदर आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा से गहरा जुड़ाव था। एक साधु से मिलने के बाद उसने समाज में बदलाव की दिशा चुनी। धीरे धीरे बिरसा एक नेता के रूप में उभरने लगे। उन्होंने अपने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करना शुरू कर दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अपनी जमीन को वापस हासिल कर सकते हैं। 1899 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान नामक क्रांति की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए। उनके हौसले और साहस ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। अंग्रेज बिरसा के बढ़ते प्रभाव से डर गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा को कैद में डाल दिया गया, लेकिन उनका विद्रोह वहीं नहीं रुका। कहते हैं कैद में रहते हुए भी बिरसा ने अपने लोगों को प्रेरित करना जारी रखा। 9 जून 1900 को जेल में बिरसा की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मौत एक रहस्य बन गई। कुछ कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया, तो कुछ का मानना है कि उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया ताकि उनका संघर्ष जीवित रहे। बिरसा मुंडा का जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उनका संघर्ष और बलिदान आज भी आदिवासियों के दिलों में जिंदा है। उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया और उनकी यह कहानी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी।